गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मा श्री गुरुवे नम आप सभी को मैं निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद गुरु पूर्णिमा से जब जाओ तो आप ये अनुभव करो कि हमने कुछ प्राप्त किया है और गुरु जी ने हमको कुछ दिया है जब कभी भी आप मेरे पास आओगे तो इस आनंद और हर्षोल्लास के साथ आ, आएंगे कि हमने हमारे जीवन में कुछ प्राप्त किया है मैं आपको गिड़गिराते हुए रोते हुए बिलखते हुए नहीं देखना चाहता यह क्यों क्योंकि ऐसा जीवन गुरु जी ने कभी नहीं चाहा गुरु जी ने नहीं चाहती कि ऐसा जीवन हो इससे तो अच्छा जाकर जंगल में तपस्या करना अच्छा है अगर हम गिड़गिडाने का जीवन ही जीते हैं तो हमारे से ऐसी ऐसा दिन हमारे जीवन में कभी ना आए मैं आपको ऐश्वर्यवान देखना चाहता हूँ आपको ज्ञानवान देखना चाहता हूँ आपको बुद्धिवान देखना चाहता हूँ आपको सामर्थ्यवान देखना चाहता हूँ हमारे पास मैंने देखा है जब तक गुरु की शक्ति अपने काम नहीं करती हम चाहे कितनी भी साधनाएं कर लो हमें कृपा बिना गुरु प्रा, कृपा प्राप्ति के कोई साधना सिद्ध भी हुई तो अपने पास टिकी नहीं रहती क्योंकि गुरु ही एक ऐसे मार्गदर्शक है तुम्हें क्या देना वो जानते हैं और देने के बाद उसे कैसे संभालना भी बताते हैं सुंदर लड़की से शादी कर लेना बड़ी बात नहीं है कोई भी पटा के शादी कर ले उठा के लाके भी शादी कर ले सकता लेकिन उसको निभाना बहुत बड़ी बात है ये संसार में साधना सिद्धियां भी उसी तरह है हम साधना कर सकते हैं सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो उसको संभालने की शक्ति हमारे पास ना हो इससे पहले भी मैंने एक दो साधुओं को जो यहाँ आए थे उनको उन्होंने बहुत की कि मैं फिर माल में साधना किया हूँ वहाँ किया हूँ ये किया हूँ बोलते हुए मेरे पास आए और एक दिन पूरा घर में बैठ गए मेरा पुराना घर था बोले आप एक महाशय को आपने काली महा काली का मूर्ति ला दिया था आप मुझे भी दो मैं हिमालय में रहा हूँ अरे मैं बोला कि क्या, क्या, क्या बांटने की चीज़ है कि आप जिसको बोले उसको देते हैं ऐसा नहीं हो सकता तो वो साधु हिमालय से आए हुए थे तभी जाड़ी बीड़ी बढ़ाए हुए थे और बहुत देर बैठ गए मैंने कहा तुम संभाल सकोगे नहीं बोले मैं हिमालय वाला संभाल ये आपके गृहस्थ साधक संभाल सकेंगे और मैं हिमालय से साधु ब्रह्मचारी मैं संभाल नहीं सकूँगा मैंने कहा मेरे को तो ऐसा लगता है नहीं संभाल सक उनकी जिद पर मैंने उनको काली निकाल कर दे दी जो हिमालय में थी उसको हिमकाली नाम लगाया उन्होंने और वो अपने पास रख लिए लेकिन कुछ ही दिनों में उनको अनुभव हुआ कि उसको पास में रखने से उन्होंने कितने कितने अपमान या मान झेलने पड़े बाद में वो समझ गए कि इसको संभालने की शक्ति के लिए गुरुकृपा चाहिए और गुरुकृपा होती है काली निकाल के देना या काली को सिद्ध करवाना या आपको तारा सिद्ध करवाना ये कोई बड़ी बात नहीं लेकिन गुरुकृपा होना उतनी बड़ी बात है जिसको वो संभाल सके गुरु जी ने मुझे ये सिखाया गुरु जी उतने महान थे गुरु जी को आपने देखा है केवल सफेद धोती सफेद लालची लगाकर बाहर जाते थे कोई उनको देखकर एक नॉर्मल आदमी समझता था जबकि ज्ञान का भंडार थे वो चाहे तो स्वर्ण की वर्षा करवा सकते थे आज हमने देखा है शंकराचार्य जी स्वर्ण की वर्षा करवा सकने की शक्ति थे, थे कनकाधार स्त्रोत्र से लेकिन उन्होंने उस गरीब के लिए वो साधना दी और हम खुद भिक्षा मांग कर खाते थे कामधेनु वशिष्ठ के आश्रम में थी जमदग्नि आश्रम में थी लेकिन वो उसके उपयोग दूसरों के अन्नदान के लिए करते थे लेकिन स्वतः के लिए उन्होंने नहीं किया साधना की सिद्धि तुम प्राप्त करो ऐसे समय में उसका उपयोग करो जब अत्यावश्यक है उसको रोज रोज की उपयोग करना जरूरी मैंने

धर्म धार्मिक पुस्तकें जो अपने पुस्तकें लिखकर गुरु जी बहुत बार गुरु जी ने बात कहा मैं उसके रॉयल्टी पे जीता हूँ जोशी किसी के इनके पैसों पे जी नहीं जीता मैं कितने के लोगों को पढ़ाता हूँ ऐसा गुरु जी ने कहा है क्या गुरु जी को क्या कमी थी चाहे तो दो मिनट में सोना बना सकते थे सब कुछ कर सकते थे लेकिन उन्होंने अपना जीवन एक नॉर्मल व्यक्ति के भांति साधारण व्यक्ति के भांति जीवन जिया और वही चीज गुरु जी ने मुझे सिखाई मैं भी लोग आके परसों कोई कमिश्नर आए थे मैं यू ही पैंट शर्ट डाल के किसी को बात कर रहा था यहाँ बैठा हुआ था बोले इसके महाराज कहाँ ये आश्रम के ये वो ये वो कोने में वहाँ फोन देखते हुए बैठे वही मार ये पैंट शर्ट वाले बार बार तीन बार पर ये पैंट शर्ट वाले बोला आपको क्या चाहिए सर उसने उसने कहा नहीं नहीं मैं यूं ही पूछ रहा था ये आश्रम आप चलाते हो क्या चलाता नहीं सर चलाती वो है वो कहाँ है वो यहाँ नहीं है मुझे चलाने के लिए छुड़ के गए उसने समझा नहीं तो अपने व्यक्तित्व को हम कुछ ऐसा बनाने से भी बड़े बड़े भस्म लगा लिए मालाएं डाली दाढ़ी बढ़ा का वेश दिए इससे एक कुछ नहीं होता देने की क्षमता रखो खड़े रहो तो आगे वाला तुम्हारे साथ बात करने में सोचे कि इसके साथ बात करें या ना करें इसके साथ सोचने की क्रिया करें और मैं आज आपको एक छोटा सा आह्वान देता हूँ आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा लेकिन आज एक वचन जरूर मांगता हूँ मैंने देश की परिस्थिति देखी है आज आप भी देश की परिस्थिति देख रहे हैं देश में हमने देखा है कि आज हमारा धर्म किस कहा खड़ा है हमारे धर्म के लोगों को कितना अत्याचार हो रहा है या हमारे धर्म पर हमारा देश किस तरह नष्ट हो जा रहा है देश का आगे का बहुत लोगों ने चित्रण किया है कि आगे आने वाले दिनों में आ, हम बचेंगे, नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे सनातन धर्म रहेगा या नहीं रहेगा इस स्थिति है तो हमारा कर्तव्य ऋषि का कर्तव्य बनता मैंने कैसा मैंने कल जैसा कहा कि श्री सूक्त में भी हर वेद के हर क्षण में कहता है तेरी तेरे गांव की रक्षा तेरे माता पिता की रक्षा तेरे परिवार की रक्षा बाद में तेरे गांव की रक्षा तेरे समाज की रक्षा उसके बाद तेरे राष्ट्र की रक्षा उसके बाद तेरे देश की रक्षा ये तेरा कर्तव्य है तो ही तू ऋषि है, तो ही है। और इस सभी रक्षा करने के लिए तुम आज तक मेरे मुझे आप मांगते आए मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है गुरुजी मुझे धन निकाल के दो मुझे पैसा दो मुझे घर दिए घड़ी दो घड़ा दो सब मांगते हुए आए लेकिन क्या आपने कभी देश के लिए कुछ मांगा मैं आज तुमसे मांगता हूं देश के लिए हम लोग हमारी साधनाओं में सचमुच शक्ति है हमारे साधनाओं में अगर आप समझते हैं कि हम ज्ञानवान हैं और हम सामर्थ्यवान हैं तो मुझे एक वचन दो हम देश के लिए संकल्प करेंगे कि हर शनिवार रात में सोलह माला बगलामुखी मंत्र करेंगे और हमारे दुष्ट जो लोग हैं हमारे देश को नाश करना चाहते हैं उन उन दुष्टों का नाश हुआ ऐसा माला करेंगे ऐसा वचन आप मुझे दो हर शनिवार को हम सोलह माला उन दुष्टों के नाश के लिए करेंगे उन दुष्टों के नाश के लिए जरूर करेंगे ही करेंगे जो हमारे देश की उन्नति में बाधा कारक है नंबर दो आप आपके उन दुष्टों के साथ काम करते समय आप डरे नहीं और आप उनका प्रहार आपके ऊपर काम करें नहीं इसके लिए हर अमावस्या के दिन रात में धुमावती की धुमावती माला मंत्र का एक सौ आठ भर को आपके जीवन में नहीं आपको राम और कृष्ण बनाए तो मुझे कहना आप देश के लिए कुछ काम करके बताओ आप साधक मुझे इस वचन को दे दो कि हम शनिवार करेंगे अगले गुरु पूर्णिमा तक आप हर शनिवार को सोलह माला बगलामुखी रात में करेंगे और हर अमावस्या को धुमा की माला मंत्र करेंगे देश के लिए संकल्प यह होगा कि मेरा दश, देश देश सुख समृद्धिवान हो और मेरे देश में मेरे मेरे धर्म का नाश ना हो तो धर्म की रक्षा हो इसके लिए हम ये संकल्प से कर रहे हैं ये बात आप कहें मैं आप सभी को मनपूर्वक आशीर्वाद देता हूं कि आप मेरा यह कार्य जरूर करेंगे नंबर दो आज के दिन पहले इस करने से पहले वचन तो दे देते हो बाद में गुरु शनिवार में करना चाह रहा था मैं गाड़ी में था इसलिए नहीं कर सका गुरु जी मेरी बीवी जरा बीमार थी नहीं कर सका मेरे बच्चा रो रहा था इसलिए नहीं कर सका ये सारी बहाने बाजी मुझे मत करो आप इतना करो कि रात कुछ भी हो रात में सोते तो जरूर हो सोने में आधा घंटा कम कर दो लेकिन शनिवार के दिन माला जरूर करो ये वचन मुझे प्रदान तो आपको इस ज्ञान कि गुरु जी की शक्ति आपके साथ काम करे गुरु की शक्ति आपके साथ रहे और आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी अपना रहस्यमय ज्ञान रहस्यमय ज्ञान का अर्थ होता है वो केवल देवता और ऋषियों को दिया जाता है और गुरु जी ने स्वयं कहा है कि अगर अपने शिष्य पर तुम बहुत ही प्रेम करते हो शिष्य पर शिष्य पर भरोसा करते हो शिष्य पर विश्वास करते हो तो ही यह साधना देना गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं तो नहीं देना ऐसा गुरु जी ने स्वयं कहा है स्वयं लिखा है ऐसी गुरु जी की रहस्य सिद्धि साधना साधना जो इस को संपन्न करता है कहते ऐसी गुरु रहस्य सिद्धि साधना है जो अभी मैं आपको देने जा रहा हूं किसी न किसी प्रकार से वह रहस्य से, से आपको सिद्धार्श्रम के योगी या कुछ को भी भेजकर आपके संकट में आपका मार्गदर्शन करेंगे आप चाहे जंगल में पड़े हो चाहे किसी संकट में पड़े हुए हो या कुछ भी आपको हो उस मेन मंत्र को केवल पांच बार बोलो और गुरु जी का ध्यान करो वो रहस्य से आप गुरु जी आपकी सहायता करने जरूर आएंगे ऐसी गुरु रहस्य सिद्धि साधना है जो मैं आपको देने चाह रहा हूं अब एक और एक परीक्षा छोटी सी क्योंकि गुरु रहस्य सिद्धि साधना लेना कोई मामूली बात नहीं है गुरु जी ने कहा है कि अविश्वासी लोगों को देना ही नहीं जिनको विश्वास नहीं आप सब लोग तो विश्वास है बोल के खड़े रह जाएंगे मैं ये बात नहीं कह रहा हूं विश्वास है नहीं इसका चिंता नहीं मैं सभी को देखता हूं लेकिन एक बार मेरे तृप्ति के लिए आप इस वर्ष जिन्होंने भी गुरु मंत्र का एक सवा लाख या पांच सवा लाख किए हैं वो लोग खड़े रहो इस वर्ष केवल इस वर्ष सवा लाख गुरु मंत्र किए हैं और या पांच सवा लाख मंत्र किए हैं इस वर्ष में किए हैं ऐसे लोग खड़े रहो गुरु जी के सामने आश्यकता नहीं मैं रहस्य सिद्धि यंत्र के साथ जो वो शक्ति प्रदान करने जा रहा हूं उनको वो दे रहा हूं जो उन्होंने इस वर्ष में सवाला मंत्र जप किया है अब एवरीडे ये रोज गुरु रहस्य सिद्धि साधना में कीस्तुनानु आ गुरु रहस्य साधना स्वयंगा गुरु जी అన్నార ఇది విశ్వాస పాత్రలైన శిష్యులకు మాత్రమే ఇవ్వండి లేకపోతే ఇది ఇవ్వకండి గురు రహస్య జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి మీరు ఎంత కష్టాల్లో ఉన్నా ఈ ఇచ్చిన గురు రహస్య సిద్ధి మంత్రాన్ని కనుక మీరు పఠిస్తే రహస్య రూపంలో సిద్ధాశ్రమ యోగులు కూడా మీ కష్టాన్ని నివారించడానికి మీరు అడవిలో సాధన చేస్తున్నా తపస్సు చేస్తున్నా ఇంకెక్కడైనా కష్టాల్లో ఉన్నా ఈ మంత్రాన్ని ఐదు సార్లు పఠించిరోజు సాధన చేసిన వాళ్లకు ఐదు సార్లు పఠిస్తే రహస్య రూపంలో గురుజీ మీకు రహస్యమైన యోగులను సిద్ధాశ్రమం నుండి పంపి మీరు రక్షణ చేస్తారు అయితే దీనికి అర్హత కలిగి ఉండాలి విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి ఆ అర్హతను నేను మీకు ఎలా చెప్తున్నానంటే ఈ సంవత్సరం లక్షాపాతికి గురువంతం చేసిన వాళ్ళు మాత్రం ఈ సంవత్సరం లేచి నిలబడండి అన్నాను ఆ పైసా ఇక్కడే రహు ఆప్కే పాస్ శివ ఆయే శ్రీరంగ్ కో అరుణ్ ఉఠో చిన్న यह रुद्राक्ष सिद्ध किए हुए हैं मैंने सहस्त्र लिंगार्चन में सिद्ध किए थे ये शिव रहस्य सिद्धि कहलाई जाती है आपके पास एक एक रुद्राक्ष दिया जाएगा आप गुरु जी को अभिषेक करके दे रहा हूँ इसके बाद भी इसके बाद ही आपको रहस्य सिद्धि साधना प्रदान करूंगा ये लोग जो सवाल किए हैं वो लोग रुद्राक्ष ले लीजिए अपने हाथ में पकड़ लीजिए मैं मंत्र पढ़ूंगा